0.8 माइनस बिग ब्रैकेट 0.95 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1.8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 0.3 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई 0.4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ये कौन हल्ला मचा रहा है स्टार्ट। देखिए ये ब्रैकेट दिया गया है पूरा, इसमें आपको बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी देखिए क्या है, डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई उसके बाद करना है, क्योंकि इसके पिछले वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि पहले डिवाइड करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डिवाइड करना है, ठीक, डिवाइड किसमें करना है, 0.3 में 0.12 से डिवाइड करना है। अब देखिए नीचे 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है, इसको 2 नंबर कर लिया और पॉइंट हटा दिया, 12 में से 30 को डिवाइड किया, 12 2 24 6 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 12 5 60 हो गया, मतलब इसको इससे डिवाइड करने में कितना आया, 2.5 आया। अब देखिए जो लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे ही लिख देंगे, 0.8 माइनस बिग ब्रैकेट 0.95 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1.8 माइनस, इसको इससे डिवाइड किया कितना आया, 2.5 आया, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 हो गया है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 माइनस 0.95 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1.8 माइनस 25 4 100, ये हो गया। अब एक नंबर के बाद, एक नंबर के पहले पॉइंट यहां लगा है, एक नंबर के पहले पॉइंट यहां लगा है, तो यहां पर 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद कर्ली वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 0.8 माइनस बिग ब्रैकेट 0.95 माइनस 1.8 में से 1.00 माइनस करने पे क्या आएगा, 0.8 आएगा, ठीक। अब इसके बाद 0.95 पे से 0.8 माइनस करना है, क्या आएगा देखिए, 0.95 पे 0.80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 आएगा, कितना आएगा, 0.15 आएगा, 0.15। अब देखिए 0.8 में से 0.15 को माइनस करेंगे, 0.80 में से 0.15 को माइनस किया 5 और 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया है, 0.65 ये इसका आंसर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 10 माइनस 9 माइनस 5, ये एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले जो बताए थे वो 2 एग्जाम्पल थे आपको। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल पहले लगाएंगे 10 माइनस स्मॉल वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, यानी कि 9 में से 5 को माइनस कर दिया, कितना आया 4 बचा। अब 10 में से माइनस 4 कर दिया, कितना आया 6 बचा, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ गए। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 30 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 30 डिवाइडेड 6, 7 में से बन गया 6 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 5,
क्या आया 30 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमने जो बताया था सबसे पहले डिवाइड करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में 30 से डिवाइड करेंगे, 6 से 30 में डिवाइड किया, 6 5 जा 30 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। सबको ध्यान में आ गया। आप देखिए मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करली ब्रैकेट 5 - 4 - 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 2। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 - 6 डिवाइडेड बाय 9 - 3। 5 नंबर क्वेश्चन है 3 + 2 प्लस करली ब्रैकेट 3 + 2 + 3 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 3 - बिग ब्रैकेट 2 - करली ब्रैकेट 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ये आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क में है, इनको आपको कॉपी पर अपने करने हैं और वीडियो को ध्यान से देखना है। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।